कि हमारे उम्मीदवार के साथ में कौन खड़ा है। इसलिए आप लोग से यह निवेदन करूंगी कि आप लोग समझ जाइए और हर लोग महागठबंधन के घटक दल के एक एक उम्मीदवार बनिए, क्योंकि अभी देखे हैं कि प्रेम नगर या कौन प्रेम नगर में साहिब जो हमारे एक नौजवान हमारे जो बात उठाने का काम किए हैं, जिसमें पत्रकार उनसे पूछे हैं उम्मीदवार से जो आप 2200 बरस से आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि है और स्नातक के जनप्रतिनिधि है, आप 5 काम को बता दीजिए। उन्होंने क्या जवाब दिए पत्रकार महोदय से जो आप एक कौन किताब ले लीजिए उसमें पढ़ लीजिए। पत्रकार महोदय ने क्या कहे जब हम तो पढ़ लेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है और आप एक काम कीजिए 5 काम में नहीं 2 काम बता दीजिए। और एक उन्होंने या आनंद फरन में वहां से उठने भागने का काम किए, ये आपका जो जड़ का कैंडिडेट है जो हम लोग रूनी सतपुर से ही आते हैं, हमको नहीं लगता है रूनी सतपुर प्रखंड में उनको 200% हमारे साथ जानते होंगे, क्योंकि यह काम जो 22+ में नहीं किया वो आप लोगों को 5+ में करेंगे। एक अनुसूचित जाति के लड़का बंपक कुमार नाम का लड़का था, उन्होंने आवाज उठाने का काम किया कि यह 22+ में जब काम नहीं किया है नौजवानों के लिए तो यह 5+ में काम करेगा। वह उस बच्चा को उसने इतना प्रेरित किया है, इतना परेशान किया है, उनके माता पिता और भाई बहन को परेशान करने का काम किया है। और 4 दिन के बाद 112 नंबर वाले गाड़ी को उसको बुला कर आदेश कराने का काम किए हैं। उसको तरह तरह को योजना बनाया गया, उसको कहा गया कि कोई निजी पिस्तौल उठाओ, इसको छटाकर इसको जेल भेजेंगे। निजी पिस्तौल नहीं मिला इसलिए उसको बच्चा को जेल नहीं हुआ। उसको कोई कोई कहता था शराब छटाकर उसको जेल भेजने का काम करो, कोई कहता था इसको जरा से आप कुछ और फिर छटाकर करो, लेकिन आदरणीय कुछ लोग ना मान आदरणीय अर्जुन बाबू के यहाँ फोन किए और कहा ऐसे ऐसे की बात है, इन्होंने इसके साहब से बात किए और इसके साहब से यही कहे कि यह बच्चा को यदि जेल जाता है तो हम आंदोलन करने का सीतामढ़ी में काम करेंगे। इसलिए आप लोग से बताने जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति को बच्चे को जीने का हक नहीं है इस केंद्र की सरकार में, निगम की सरकार में। इसलिए आप लोग जागिए और तब उसको बारह बजे हम लोग भी इसमें से आपसे बात करने का काम किए, कहेंगे इसमें चाहे वस्तुस्थिति को देख कर इस बच्चा को जेल भेजने का काम कीजिएगा, पहले आप जांच लीजिए परख लीजिए तब जेल भेजिएगा। हम चारों तरफ से इसमें चाहे सारा बात को मायना लेकर और उसको उस बच्चा को एक बजे रात में उसे घर तक पहुँचाने का काम किए। भाइयों आप लोग ध्यान करके सुन लीजिए, यदि इसको आप वोट दिलवाते हैं जीतते हैं तो क्या दुर्दशा होगा हम लोगों को, एक काम करके सुन लीजिए, क्योंकि यह हमारे जो उम्मीदवार है जो यह एक नाम का मोहताज नहीं है, वो पर्चे का मोहताज नहीं है। आप देख लीजिए 5 वर्ष बनाम 10 वर्ष, जो 5 वर्ष में जो काम किया गया है वो 10 वर्ष का काम देख लीजिए। केंद्र की सरकार में जो हमारे जो अभी जो हमारे MP थे उन्होंने ठीक से केंद्र सरकार योजना का निर्धारण करने का और शिलान्यास करने का काम किए हैं। वो अपना पैसा और अपना हक का वो पता नहीं कहाँ रख दिए, कोई पता नहीं है। लेकिन आप विकसित है या नहीं है वो अपना मन में सोचते होंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइए। हमारे पहलों से भी कहना चाहूंगी कि आपका चिमड़ी पर और संजय पर जेएसटी लगाने का काम किया गया है, केंद्र की सरकार आपको बच्चों को नौकरी छीनने का काम किया है, 5 किलो का जो अनाज है वो आपको देगा ठगने का काम किया है, यदि दिन भर कमाइएगा तो 400 रुपया कमाइएगा और 100 रुपया का अनाज आप दिन भर कमाते हैं, आपका बेटा कमाते हैं अंगूठा लगाने जाते हैं तो कभी कहता है जो नेट नहीं है, कभी कहता है कुछ नहीं है, दिन भर 4 अंगूठा लगा लिया जाता है और 5 किलो अनाज दिया जाता है। आपका बच्चे को आपका भरण पोषण होगा क्या? नहीं होगा। और आप ही माँ के घर में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पर भी 1.5 लाख रुपया कर्ज है आपको तो है ही, इसलिए यह निकम्मी सरकार को आप लोग कैसे भेजेंगे राष्ट्रीय महागठबंधन को कार्यक्रम
तेजस्वी यादव पंच के हर घर में जाइए, खास कर अपने बहनों से कहेंगे कि कोई भी दुख का सामना पड़ता है तो आप लोगों का कठिनाई होती है, क्योंकि आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलता है, जब भूखे मरते हैं तो आप लोगों की लगती है बिलकता है, दूध नहीं मिलता है तो कहता है माँ आज हम क्या पिएंगे, आप लोग से उम्मीद करेंगे, आप हर एक हर पंचायत की महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, एक बहन बनकर और हर घर में जाइए टोली बनकर और उसमें हमको भी बुलाइए, हम भी आपके साथ घूमने का काम करेंगे और हर घर से हम लोग अपना दावत में छोड़ी फैला कर और माननीय अर्जुन राय को वोट मांगेंगे और हम केंद्र में हम लोग भेजने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार बनेगी तो हम लोगों को बहुत कठिनाइयों से हम लोगों को निजात मिलेगा। और चाहे आने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव देखिए 17 महीना बनाम 17 साल बनाम 17 महीना आप देख लीजिए नजर उठाकर जिसमें इसमें हमारे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किए और नौकरी में गई है, हमारे महिला भी गर्व से कहती है कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव के दिन है, जो आई एम टीचर है, आज हम नर्स में बहाली हुए हैं, आज हम एनएम में बहाली हुए हैं, आज हम सेवा थोड़ा आपको कार्यरत है काम कर रहे हैं। हमारे भाइयों मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप यह केंद्र की सरकार 10 साल से 5 साल ठगा है, 10 साल से पुनः वोट देकर आपने जिताने का काम किए हैं और 405 कहता है, 405 जो कहता है उसको मुंह पर चमटा दीजिए और 400 का 40 पार नहीं होना चाहिए, आप लोग से यह निवेदन करूंगी और आपसे तो यह कहूंगी कि आप केंद्र की सरकार जो महागठबंधन की सरकार है वो मजबूती से आपको देखिए मनमोहन सरकार थी पहले पर अर्थव्यवस्था का हमारा हम लोग पहले पर अनुसारित व्यवस्था था, वो कर्ज लेने का काम नहीं किए और अंबानी से हाथ में आने का नहीं काम किए, माल्या से हाथ में आने का काम नहीं किए, आप लोगों को विकास कराने का काम किए हैं, वो पहले पर चलने का काम किए हैं, आप लोगों को पढ़ाने का काम किए हैं, जुमेबाद से आप लोग भारी भांति आप महसूस है क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग जो आप लोग से सरकार को जो चुनने में भूल किए हैं या भूल दोहरा नहीं करेंगे भाइयों, हमारे भाइयों मैं आप लोग से निवेदन है आग्रह है विनती है एक सिपाही बनकर जाइए, यहाँ से जाइए तो एक दिन एक घंटा नहीं कमाइए और हर आंगन में हर घर में जाइए और अपने अर्जुन राय जी को वोट मांगिए और सांसद के रूप में वोट मांगिए, जो हम खुद सांसद हैं अर्जुन राय नहीं, हम खुद सांसद हैं, हर घर में जाइए और आगामी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में यदि देखना चाहते हैं तो हमारे नौजवान भाइयों साथियों तो आप एक अर्जुन बनकर हर घर में जाए और आदरणीय लाल प्रसाद यादव जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबको हाथों का मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी महागठबंधन को घटक दल को सारे नेता से मैं यही उम्मीद करूंगी हर घर में जाए और लंटेन छाप चुपचाप